आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। लगभग तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता है, तो आज दोस्तों मैं बताऊंगा तुलसी के पौधे की केयर के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्प गार्डन में। मैं हूँ आपका दोस्त विजय। तो चलिए वीडियो की शुरुआत किए देते हैं। सामने आप जो तुलसी का पौधा देख पा रहे हैं, मैं इसी पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें जो मंजरी निकली हुई है, यानी कि बहुत सारे सीड्स निकल रहे हैं, इनके कारण हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती, यानी कि विकास नहीं हो पाता पूरी तरह से। तो इस कंडीशन में हम करने वाले हैं इस पौधे के साथ छोटे से दो काम, और 2 दिन बाद हमारा पौधा घना होने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी पिंचिंग करेंगे, जिसे आप 3G कटिंग भी बोल सकते हैं, और ये काम हमें हर बार मंजरी निकलने पर कर देना चाहिए, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है और पौधा घना हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे सीड से ग्रो करने के लिए इनकी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी पिंचिंग करके बताना चाहूँगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक टूल्स, कोई भी हो। मैंने ये चाकू लिया है, तो इससे हमें 2 पत्तियों के साथ इस मंजरी को काट लेना होगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने काट ली है। इसी प्रकार से आपको सारी पिंचिंग कर देनी होगी, और हर ब्रांच से दो दो ब्रांच निकल के तैयार हो जाएंगी, और हमारा पौधा घना हो जाएगा। और इसके अलावा हमें चाहिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसके लिए हमने लिया है ये कपास के कुछ सीड्स, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसे अच्छी तरह से कूट लेना होगा। दोस्तों, कपास के सीड्स में करीब 50% नाइट्रोजन पाई जाती है, और कुछ अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिनकी हमारे तुलसी के प्लांट को ज़रूरत होती है। तो चलिए जल्दी से फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसे अच्छी तरह से कूट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब हमने लिया है एक प्लास्टिक का डिब्बा, और इसमें आधा लीटर पानी हम डाल लेंगे, और पानी में जो कपास के सीड्स का मॉइस्चर बन के तैयार हुआ है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करके 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। और दोस्तों, 1 दिन बाद जो इसका अपडेट मिलेगा, उसे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए इसको डिब्बे में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, और हमारा फर्टिलाइज़र बनके अच्छी तरह से तैयार है। अब हमें करना क्या है कि करीब आधा लीटर पानी और लेना है, और किसी कपड़े की मदद से इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से छान लेना होगा, जिससे कि हमारी स्प्रे बोतल में कोई रुकावट ना आए। देखिए, मैं इस रूमाल में इसे छान लेता हूँ। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, और इसमें से जो भी हमें नाइट्रोजन प्राप्त होगी, उसे हम अपनी स्प्रे बोतल में भर के स्प्रे करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, इसकी जो कपास की खली निकली है, इसे फेंकें ना। इसे हम अपने तुलसी के प्लांट की सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अब देखिए, इस स्प्रे बोतल में हम अपने फर्टिलाइज़र को भर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये मॉइस्चर जो निकला था वो इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे करीब आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट, जिससे हमारे प्लांट की पत्तियां काफ़ी ग्रीन रहती हैं, और हमारा प्लांट शाइनी बना रहता है। देखिए, ये मैंने डाल लिया है, और इसे अच्छी तरह से बंद करके पहले इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। देखिए, मैंने ये अच्छी तरह से हिला ली है। तो हमारा ये फर्टिलाइज़र तुलसी के प्लांट पर स्प्रे करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए स्प्रे करके बता देते हैं। स्प्रे हमें इस प्रकार करना है कि इस पर कोई भी ब्रांच या पत्ती छूटे ना, यानी कि पूरा प्लांट अच्छी तरह से नहला देना है, जिससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए देखिए, मैं इसे पूरी तरह से नहला देता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि
आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।